गुड मॉर्निंग क्लास क्लास सिक्स में हम मैथ का चैप्टर नंबर थ्री में 3.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं लेकिन हमें एक्सरसाइज तो कंप्लीट है या फिर हम फिर स्टार्ट करें तो 3.3 स्टार्ट करने से पहले हमारे हमारे पापा कुछ रूल्स दे रखे हैं, रूल्स और कंडीशंस दे रखे हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तो हम लोग डिविजिबिलिटी एक बार स्टार्ट करते हैं। सेकंड तो वो कैसे होता है, 2, 3, 2 से लेके कहां तक होते हैं 12, 2 से लेके 12 तक। कोई भी नंबर ले लेंगे तो उसका होगा सम, डिजिट सम। डिजिट सम का मीन क्या है, कोई भी नंबर ले लिया हमने तो 4, 0, 8 ले लिया, तो इसका डिजिट करके देखिए इसका प्लस करके देखिए 2, 0, 4 2 + 4 + 0 + 8 कितना आया। नहीं है डिविजिबल, नहीं है। अब 4, अब रूल नंबर 4 3 का आगे समझते हैं। 3 में क्या होता है कि डिजिट देते हैं, कोई भी नंबर देते हैं, उन्हें क्या करेंगे हमको सम करके लेंगे। 3 का मतलब है डिजिट सम करना। वापस से बता रही हूं, डिजिट को सम करना, कोई भी डिजिट देते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमने कोई डिजिट ले ली 6, 7, 0, 8 6, 7, 0। अब इस डिजिट को प्लस करेंगे, 6 में प्लस करेंगे 7, 7 में प्लस करेंगे 8, 8 में प्लस करेंगे 8 और उसको डिवाइड करेंगे 3 से। कितना आया 20 आया, 20 में से डिवाइड किया 3 से, बताइए 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 को कितनी बार जाएगा, वो 9 तो ये डिविजिबल है। ओके ये 3 से है, ये डिवाइडेड ही है फ्रॉम 3, ये 3 से है। अब हम 4 का देखते हैं, अब हम 4 का नंबर डिविजिबल को देखते हैं। ए नंबर इज द डिविजिबल बाय द 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय द 2 राइट मोस्ट डिजिट्स 1 एंड इज द मल्टीपल ऑफ 4 और डिविजिबल बाय 4। अरे 2 का 2 को सीधा सीधा लेते हैं, लास्ट कितने डिजिट होने चाहिए,
अब देखो कैसे देखेंगे हम लास्ट की टू डिजिट कोई भी देखो अभी जो वन टू का ही जा रहा है फोर से डिवाइड हो रहा है ना तो बस डिसेबल है ठीक। अब हम रूल नंबर फाइव फाइव का तो बहुत जीरो जीरो है जो नंबर जिसके लास्ट नंबर फाइव और जीरो है वो फाइव से फाइव का रूल नंबर जीरो है फाइव ओके लास्ट में सिक्स का देखते हैं हाँ सिक्स ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर करेंगे तो टू इंटू थ्री सिक्स का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा टू इंटू थ्री क्या आएगा टू इंटू थ्री सिक्स का देखो किसके फैक्टर करो टू इंटू ऐसे ऐसे डिजिट जो टू से भी डिवाइड होती है और थ्री से भी डिवाइड होती है वो सारी डिजिट टू और थ्री दोनों से डिवाइड होती है वो क्या है डिसिबल है वो सिक्स से ओके अब हम इसको कैसे करके देखेंगे देखो हमने 132 एग्जांपल लिया हमने 132 एक एग्जांपल लिया अब देखो ये डिसिबल है ना टू से अलाइव हो ए ठीक है अब है हमारा रूल नंबर सेवन रूल नंबर सेवन क्या बोलता है नंबर इज द नंबर इज द डिविजिबल बाय सेवन इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्विस्ट The last digit and the number formed by origin digit is either zero or the multiplier of seven. Okay, हम लोगों ने एक example लिया इसको अच्छे से समझना है रूल नंबर सेवन है उसको हमें अच्छे से समझना है हमने एक example लिया 392 उसने बोला ये नंबर इज द डिजिट बाय द 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द लास्ट डिजिट जो लास्ट की डिजिट उसको क्या करना है ट्विस्ट करना है डबल करना है जैसे कि लास्ट डिजिट मान लो 4 है तो 8 हो जाएगी 2 है तो 4 हो जाएगी 4 है तो 8 हो जाएगी और 3 है तो 6 हो जाएगी 5 है तो 10 हो जाएगी लास्ट डिजिट को ट्विस्ट करना है तो हमने एक एग्जांपल ले लिया 392 ले लिया एग्जांपल बोर्ड पे आता है कोई भी एग्जांपल लेना था तो हमने 392 का एग्जांपल लिया एग्जांपल लिया हमने 392 ओके 2 को ट्विस्ट कर दो ट्विस्ट कर दो कितना हो गया 4 हो गया क्या हो गया 4 हो गया अब 2 को हमने ट्विस्ट किया तो 4 हो गया 39 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 35 आएगा अब हमें देखना है कि 35 में 7 में डिसिबल है कि नहीं है ना 7 आएगा ये इसका डिजिबिलिटी रूल्स हो गया अब आ गया ए ए नंबर इज द डिजिबल ए नंबर इज द डिविजिबल बाय द ए इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स राइट मोस्ट थ्री डिजिट 1 10 100 इज डिविजिबल बाय 8 8 का डिजिबल रूल क्या बोलता है 8 किसको बोलता है अच्छा 4 का क्या था 4 का डिजिबल रूल मैंने आपको बताया था 2 की पावर 2 और 8 है 2 की पावर 3 3 लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड बाय 8 बहुत इजी वाले आपको समझा दिया आपकी बुक में इतना इजी नहीं लगता लेकिन मैं आपको बहुत इजी समझा रहा हूँ 3 8 और डिसेबल की वो याद कर लेना 2 की पावर 3 इसका मतलब
भी नॉट बी का मतलब फैक्टर का जो टू फोर का टू जब तो फोर का के टू भी पावर थ्री ठीक है टू भी पावर थ्री का मतलब लास्ट थ्री थ्री डिजिट लास्ट थ्री डिजिट अपॉन एट तो हम लास्ट की कोई भी थ्री डिजिट ले रहे हैं ठीक है 24 पे राइट होता है राइट में लास्ट के लिए से जो बात है कि जो भी हमसे जाए लास्ट के लिए जो भी पॉइंट होती है देखते हो गया ना एक बन जाओ एक बन जाओ सबसे एक बन जाओ पर क्या है यार ये बेसिक बात है अब आता है रूल नंबर 9 का सिंपल रूल है A number is the divisible by the 9 equivalent sum of the digits divisible by 9. इसका मतलब कि sum कर दीजिए अपनी जो digits हैं. मतलब कोई भी digit ले लो. तो वो ले लिया भाई. 9 divisible by 9. मैं आपको उनकी समझानी, केवल समझाने के मतलब से आपको बता रही हूँ. बच्चा कराने को तो एक्सरसाइज भी मैं इसके बाद ही कराऊंगी क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे प्रॉपर तरीके से. अगर आपको ये दूसरी समझ में नहीं आएंगे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे. 9 divisible by 9 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
आते हैं टेन के रूल पे, किस पे आएंगे हम, टेन के रूल पर। टेन का तो बहुत सिंपल रूल है, लास्ट में वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वंस क्या होता है, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, लैक, ठीक है, हंड्रेड, टेन हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, ओके। अब इलेवन का रूल क्या बोलता है, इलेवन का रूल बोलता है नंबर इज डिविजिबल बाय इलेवन if the difference between the sum of alternate digit is either 0 or a multiply of 11. So, ये बोलता है सब कि 6 हमें एक नंबर लिखो, आप पहले नंबर इसे 1 by 1 छोड़ के 1 नंबर by 1 नंबर छोड़ के प्लस कर लो, तो कुछ भी नहीं है। 6 4 आपकी बुक का ही एक नंबर देते हैं, 6 4 4 6 ओके। Gracias.
300 आ गया तो ये डिसिबल है, कुछ भी नहीं दे रखा। द टू नंबर फॉर्म बाय द टू राइट मोस्ट डिजिट इज 52 एंड 52 इज डिसिबल बाय 4 सिंस 52 डिवाइडेड 4 टू 13 हेंस 3852 इज डिसिबल बाय 12। ओके, किसी को कोई डाउट्स कोई प्रॉब्लम हो तो मैं